हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नया दिन और नए दिन की शुरुआत हम ब्रेकफास्ट से करने जा रहे हैं। तो हमने ब्रेकफास्ट में पूरी, छोले, आलू भोंडा ये सब खाया। और इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले तो मैं ये बता दूं कि जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, हम धौलीगिरी गए, सखी गोपाल गए और जगन्नाथ टेम्पल गए, और वो बहुत ही अच्छी शुरुआत थी। इस वीडियो में हम चिलिका लेक जाने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में। और जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं, हमने मीठे से तो शुरुआत की, मगर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि ये जो आप अभी वीडियो में देख रहे हैं, ये स्वीट ही नहीं, स्पाइसी भी है। तो ये बहुत ही अच्छा था और स्वादिष्ट भी था, पर हल्का सा तीखा भी था। सो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स चिलिका लेक। लेट मी गिव यू अ बैकग्राउंड ऑफ चिलिका लेक। इट इज़ अ ब्रैकिश वाटर लगून स्प्रेड ओवर द पुरी, खोर्धा एंड गंजाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा स्टेट ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट लेक इन इंडिया। और अगर आपका ओडिशा आने का प्लान है या फ्यूचर में प्लान हुआ तो आप बोटिंग ज़रूर जाइएगा, ये बहुत ही रिकमेंडेड है। और जैसे कि बोटिंग की डिटेल्स मैं दे देता हूँ, बोटिंग अगर आप जा रहे हैं तो उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। फीडिंग द बर्ड्स, डॉल्फिन देखना, रेड क्रैप्स, या अगर आपको सिर्फ बोटिंग चाहिए तो उसका कॉस्ट होगा 3,500। और अगर आपको टोटल पैकेज चाहिए तो उसका कॉस्ट है 4,700। और 4,700 में बोट राइड, रेड क्रैप्स, डॉल्फिन्स ये सब देख सकते हैं। और मैं ये बताऊं कि जैसे हम हाई टाइड होने की वजह से हम डॉल्फिन देख नहीं सके, तो हाईली रिकमेंडेड प्लेस है और बहुत ही सुंदर प्लेस है, और ये शूटिंग स्पॉट भी है, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा अगर आप उड़ीसा आ रहे हैं और आपका ये प्लान है तो। और अगर आपको चिलिका लेक आते ही भूख लग जाए तो आप फिश, क्रैप्स, प्रॉन्स आदि ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको वेजिटेरियन फूड भी सर्व कर दिया जाएगा। और सी शेल्स को तोड़ने पर देखिए हमें क्या मिला। समुद्र के अंदर डूबे तमाम पहाड़ की दरार में होते और उसके नीचे पड़ा है मॉस फ्लोटिंग प्लांट, वो चीज खाता है। वो चीज खाने के बावजूद इसके बीचों बीच में से कीड़े लेता है जिसमें नाखून भी होता है। जरा सुनिए, देख रहे लाइव से ले, ये कीड़ा सब खुद ही काट।